मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए कुरान मजीद में कुरान अल्लाह पाक ने भेजा, स्पीकर सब सुन ले। कुरान में एक बंदे के लिए अल्लाह पाक ने कहा है, वो हराम भी खा सकता है, वो है भूखा। भूखा आपका कानून नहीं मानता। आप कहते हैं मेरे कानून में स्मगलिंग, भाई रोजगार देना आईने पाकिस्तान में किसकी जिम्मेदारी है? आईने 73 की आईन में रोजगार देना किसकी जिम्मेदारी आपकी है? आप पूरा कर रहे हैं, ये गैर कानून नहीं कर रहे हो। अब 35 लाख लोगों को पहले रोजगार दें, महाना 1 लाख रुपए तनख्वाह जारी करें। रियासत का काम पहले रोजगार देना है, बाद में फैसले करना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, पहले हम भूखा मारते हैं फिर आईन और कानून की बात करते हैं। पहले आप तो लोगों को रोजगार दे, नहीं आप कहते हैं स्मगलिंग है। भाई करप्शन बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में कितनी करप्शन है स्पीकर साहब, कितनी करप्शन है? आप ये 5 अरब रुपए जो आप खर्च कर रहे बिल्डिंग पर, आप बॉर्डर के लोगों को रोजगार दे, बिल्डिंग पे खर्च ना करें। ये 5 अरब रुपए हमारे 30 लाख लोगों को नौकरी दे दो, 5 अरब रुपए हमारे नौजवानों को बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं, न बनाए रोजगार। हम बलूचिस्तान के लोग धरने नहीं दे रहे कि हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है। बलूचिस्तान के लोग मर रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं है, हमें रोजगार दो। अगर रोजगार में सिंपली फ्लोर पे कह रहा हूँ, फ्लोर पर कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में जब आप बॉर्डर के बंदिश के फैसले हम नहीं कर रहे, मुंतखब लोग नहीं कर रहे स्पीकर साहब, गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं, गैर मुंतखब लोग ये फैसले कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारी तोहीन है। कोस्ट गार्ड को कोई अख्तियार नहीं हमारे। अगर वजीर आला साहब फैसले कर रहे हैं, ऐलान करें मीडिया में, ऐलान करें कि सरफराज बुक्की साहब ने फैसला किया है बॉर्डर बंद करते हैं, ऐलान करते बलूचिस्तान के लोगों को पता चल जाए कि बलूचिस्तान की काबीना बलूचिस्तान दुश्मनी पर मबनी है, ताकि बलूचिस्तान के बॉर्डर के फैसले करें बलूचिस्तान काबीना शामिल है। ऐसा नहीं होगा यहाँ। और बलूचिस्तान को कहे कि ये तो गैर कानूनी है, तो जजीरे बनाना भी गैर कानूनी है, पैसे करप्शन करना भी गैर कानूनी है, या चोरी करना भी गैर कानूनी है। पाकिस्तान में इजाजत नहीं है करप्शन करना। अगर ये सब, अगर आपने ये बॉर्डर नहीं खोले, अगर आपने ये फैसले, अगर एपीएस कमेटी हो या वफाकी हुकूमत हो, अगर बॉर्डर आपने नहीं खोले तो पूरे पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में ले आओ, आप अमन कायम नहीं कर सकते। पूरा ऑफिस पूरी राय बलूचिस्तान में बैठ जाए भी, अब मैं कसम खा के कहता हूँ बलूचिस्तान में अपन अमन नहीं ला सकते जब तक आप बॉर्डर को बंद करोगे। बॉर्डर खोलो, रोजगार दो, तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान में अमन कायम हो। मेरे पास इस डिस्कशन को मजीद यहीं पर ही करते हैं।